नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैराथन क्लास राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर, यानी कि राजस्थान पटवार की जो एग्जाम लगने वाली है 23 और 24 अक्टूबर को दोस्तों, यहाँ पर उसमें यहाँ पर पहली मेगा टेस्ट सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने मैराथन क्लास है जिसमें यानी कि 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या है यानी कि 202 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। और प्लीज सबको बताना होगा कि आपने किस कॉन्सेप्ट में से कितने प्रश्न सही किया है दोस्तों। यहां पर अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, तीनों कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिए, तो दोस्तों यहां से आप 5 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा और पूरे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर सारे प्रश्न आपके राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यानी कि भारतीय प्रश्न बैंक के में सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा, पहला जो कॉन्सेप्ट कराया जाएगा वो राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। इसमें प्रत्येक जो पटवार की एग्जाम हुई थी दोस्तों यहां पर, जिसमें प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी ये प्रश्न आने वाला है इस कॉन्सेप्ट से। नदियां पूछी जाती है दोस्तों यहां पर, आपको पता है अगर आपने पिछले प्रश्न पत्र उठा के देखे होंगे तो। और यहां पर देखिएगा, बांध और झीलें आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी, यानी कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके मात्र एक वीडियो की मैराथन क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, बताना होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंचाई क्षमता के सृजन तथा उपयोग के अंतर को कम करना, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब व किसने किया था, बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको सन याद है तो ध्यान रखिएगा, आप सही करोगे, एक व्यक्ति का नाम यहां से पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा, 1958 में शिलान्यास किया गया था दोस्तों। यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से कौन से चित्तौड़गढ़ जिले की सिंचाई परियोजना है, बताएगा, पूछी जाती है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, गंभीरी जो नदी है वो चित्तौड़गढ़ से के पास होके निकलती है दोस्तों यहां पर, तो यहां पर एक परियोजना बनाई गई है गंभीरी नदी सिंचाई परियोजना, ये काफी छोटी परियोजना है लेकिन पूछी जा सकती है दोस्तों यहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर चाखन मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में है, बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है जालौर कोटा सिरोही या फिर बूंदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाखन हो जाएगी बूंदी में, डी ऑप्शन सभी का यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है, बताएगा, धौलपुर भरतपुर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ या फिर यहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा या फिर पाली जालौर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर में की तरफ से जितनी भी एग्जाम हुई है दोस्तों, यहां पर इंदिरा नहर से संबंधित 100% क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 649 हो जाएगी ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाला जिला कौन सा है, बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इंदिरा गांधी जो नहर है उससे सबसे अधिक जो कमांड क्षेत्र है यानी कि कृषि के योग्य जो भूमि है वो किन जिलों में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का बीकानेर और जैसलमेर में हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्न में से किस क्षेत्र में है, बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि राजस्थान और गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि दक्षिणी राजस्थान। अगला देखिएगा, यहां पर
निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताएगा। यहाँ पर आपसे इस टाइप के तीन या दो, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों। यहाँ पर या तो सुमिलित कीजिए या फिर गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन चार या पांच हो सकते हैं, चार या पांच पूछ सकता है आपसे, लेकिन प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पांचना बांध परियोजना है ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है, और पांचना बांध परियोजना है ये करौली जिले में है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पांचना बांध का जो निर्माण करवाया गया था 1978 में करवाया गया था दोस्तों, यहाँ पर भरतपुर जिले को बाढ़ से बचाने के लिए करौली जिले में गंभीरी नदी के किनारे पर इसका निर्माण किया गया है। सात गेट है दोस्तों यहाँ पर इस बांध के। अगला देखिएगा, जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज प्लेटफॉर्म पर दोस्तों यहाँ पर, तो जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अब आपके काफी कम समय बचा है पटवार के लिए दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है, मैराथन क्लास में कंप्लीट करनी है सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल घाटी परियोजना किन जिलों की सम्मिलित परियोजना है, बताएगा, सॉरी किन राज्यों की है, राज्य पूछा है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है, बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50% की हिस्सेदारी है राजस्थान की, और 50% की एमपी की हो जाएगी, दोनों राज्यों की 50-50% की हिस्सेदारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, बताएगा इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1958, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, बताएगा कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, तो इसमें जो गलत जोड़ा है बिल्कुल ये हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में पंजाब की संयुक्त परियोजना नहीं है, ये केवल राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान राज्य की है परियोजना है। अगला देखिएगा, यहां पर मानसी बाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है, बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है, बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, जवाई बांध, पांचना बांध या फिर जवाहर सागर बांध या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सेई बांध का परियोजना का जो संबंध है वो बांध आपसे पूछा है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाई बांध से है दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में है, अब दो बांध कौन कौन से है राजस्थान में, बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर जवाहर सागर बांध और यहां पर राणा प्रताप सागर बांध। अब देखिएगा, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर बांध यहां पर कोटा में है दोस्तों। यहां पर चंबल नदी पर चार बांध बनाए गए हैं, ये भी ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सवाई माधोपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखिएगा, सवाई माधोपुर में मोरेल नदी पर ये बांध बनाया गया है, ध्यान रख लेना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भाकड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सतलज नदी पर ये बांध है, कौन सा, भाकड़ा नांगल बांध, याद रखना आ सकता है आपके एग्जाम में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुएं व नलकूपों के द्वारा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है, बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45% राजस्थान की हिस्सेदारी है और 55% यहां पर गुजरात की हिस्सेदारी है दोस्तों। यहां पर
दोनों आपसे पूछ सकता है। एक तो चंबल नदी घाटी में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है और यहाँ पर माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी, इन दोनों की पूछता है। एक भाकड़ा नांगल बांध से पूछ सकता है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा 45%। अगला देखिएगा यहाँ पर, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में है बताएगा। तो दोस्तों ये सबसे अधिक पूछा गया क्वेश्चन है किसी भी, देख राजस्थान पुलिस, देखो राजस्थान पुलिस में पूछ लिया है, पटवार में पूछ लिया है, आरएएस में पूछ लिया है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट में, और यहाँ पर ग्राम सेवक बनपाल एसआई, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में है दोस्तों। यहाँ पर ये दो चार ऐसे क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, ताल छप्पर वाला पूछा जाता है, एक ये अगर परियोजनाओं से पूछता है तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस जिले में है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का संबंध, किस जिले से है ये पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, चौधरी कुंभाराव नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ और झुंझुनू, आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी है, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कवर सेन लिफ्ट नहर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर दीजिएगा सभी अभ्यर्थी, बिल्कुल आंसर एक बार ही दीजिएगा दोस्तों यहां पर, और शेयर कीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको शेयर करते हैं। भाई शेयर कर दो ताकि आपका कंपटीशन अधिक स्टूडेंटों में और अच्छा हो दोस्तों यहां पर, आपको अपनी आपकी कमी का पता चले। एक बार लाइक तो कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को लाइक करने वाला, देखो कितने लाइक आ चुके हैं यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान। अगला देखिएगा यहां पर, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है बताएगा। आपसे पूछा जा सकता है गडरा रोड, बाड़मेर, मोहनगढ़, जैसलमेर या फिर पोकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गडरा रोड, बाड़मेर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले जो इंदिरा गांधी का अंतिम छोर था वो मोहनगढ़ जैसलमेर था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर गडरा रोड यहां पर बाड़मेर तक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है गंगा, सतलज, चंबल या फिर ब्यास। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये सतलज नदी से निकाली गई है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक परंपराओं वर्षा जल संचय पद्धति का नाम क्या है, शिक्षक भर्ती 2014 में पूछा है, वैसे तो बहुत एग्जाम में पूछ लिया है, रिट में भी पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर खडिन के नाम से जानी जाती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त होता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जालौर और बाड़मेर जिला, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाना मत दोस्तों यहाँ पर, सभी कॉन्सेप्ट आपको तीनों कवर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें कृषि, वन और यहाँ पर पशुपालन, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके ऐसे है जिनमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट से एक या दो क्वेश्चन 100% राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछता रहता है। तो ध्यान रखना आपके प्रश्न यहीं से उठने वाले हैं। अगला देखिएगा, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाड़मेर नहीं है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कौन सी परियोजना में जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है, कौन सी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना हो जाएगा, ए ऑप्शन सभी का अभ्यर्थियों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्न में से कौन सा जिला है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ का टिब्बी नामक स्थान हो जाएगा। अगला देखिएगा, जाखम बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले से हो जाएगा। अगला देखिएगा, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर है, इसका निर्माण गंगा
युवराज सिंह ने कब करवाया था बताएगा। यहां से आपके तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो गंग नहर, आपको पता है गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था, कब करवाया था एक ये भी पूछा जा सकता है, और किस जिले में करवाया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बनास नदी पर कौन सा बांध है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीसलपुर बांध हो जाएगा, जो सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट बांध है, जिसमें तीनों जिलों को सिंचाई और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होता है। जयपुर, टोंक और यहां पर अजमेर को पानी प्राप्त होता है। बीसलपुर बांध कहां पर है, टोंक में है। किसने निर्माण करवाया था, बीसलदीप चौहान ने इसका निर्माण करवाया गया था। अगला देखिएगा, यहां पर वर्तमान में राजस्थान नहर को किस नाम से जाना जाता है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, यहां पर चंबल घाटी नदी परियोजना का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण किया गया था बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तीन चरणों में इसका कार्य कंप्लीट करवाया गया था। पहले चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण करवाया गया था, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करवाया गया था, तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज का बांध का निर्माण करवाया गया था। ये तीनों चरणों में यहां पर यानी कि चंबल घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। अगला देखिएगा, यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हरिके बैराज से मिलता है। अगला देखिएगा, यहां पर इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है बताएगा। तो यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सतलज ब्यास नदी के संगम से, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नहर हो जाएगी। अगला देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त हो रहा है करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना का। दोस्तों ये देखिएगा, सरावती है वो एक राज्य में है, हीराकुंड है वो एक राज्य में है उड़ीसा में, इडुकी परियोजना है वो एक राज्य में है, लेकिन चंबल घाटी परियोजना दो राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। अगला देखिएगा, यहां पर भांकड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है बताएगा, किन राज्यों की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला देखिएगा, चंबल नदी घाटी परियोजना में कितने बांध बने हुए हैं, ऑप्शन आपके सामने है चार, पांच, तीन या फिर दो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार बांध बनाए गए हैं, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े बांध की बात करें तो एमपी में है गांधी सागर बांध, उसके बाद बात करें राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध, ये चारों बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखता कौन से जिले को जल की आपूर्ति की जाती है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। अगला देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, हाँ सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों में पेयजल आपूर्ति होती है, सिंचाई के लिए भी होती है कुछ और पेयजल होती है। मध्य प्रदेश में आपको पता है नर्मदा नदी निकलती है, वहां पर ये लाभान्वित है। गुजरात में यहां पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है इसी नदी के किनारे पर, और महाराष्ट्र में भी इसको नहर निकाली गई है, महाराष्ट्र में भी इसका लाभ मिलता है, चाहे वो यहां पर बिजली पहुंचाई जा रही है महाराष्ट्र में, चाहे और कोई भी काम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर निकाली गई है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 155 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों, यहां पर वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। यहां पर अगर आप तीन से चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में करेक्ट आपको निकालने हैं यहां से, तो आप बिल्कुल बने रहिए अंत तक। अगला देखिएगा, यहां पर कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जयपुर हो जाएगा। देखिएगा एक बात और ध्यान रख लेना, अगर जयपुर ऑप्शन में नहीं है और अलवर ऑप्शन में दे रखा है तो ज्यादा
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा, राज्य में कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है। अब यहाँ पर आपसे क्षेत्र पूछा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर परवन परियोजना किस जिले में स्थित है, बताएगा कोटा, उदयपुर, चित्तौड़ या फिर बारा। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बारा जिले में है, परवन नदी के किनारे पर है। अगला देखिए, यहां पर बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है, माही से, चंबल से, बनास से या फिर घग्गर नदी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास नदी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सावन भादो परियोजना का संबंध किस जिले से है, कोटा, करौली, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो यहां पर आप करेक्ट दे रहे हो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोठारी परियोजना का संबंध किस जिले में है, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर या फिर जयपुर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से है, बताएगा ऑप्शन आपके सामने है, कहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है राजस्थान के लिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरि के बैराज से निकाली गई है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाकड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है, बताएगा। अब तीनों परियोजनाओं को आपका मैंने हिस्सेदारी आपको बताई है दोस्तों, यहां पर एक तो माही नदी और यहां पर चंबल नदी। अब यहां से आपसे पूछा है भाकड़ा नांगल जो कि बड़ी बड़ी परियोजना है यहां पर, तो इसका बताना होगा कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.22 प्रतिशत की हिस्सेदारी केवल राजस्थान की है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, निम्न में से राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है, किस क्षेत्र में की जाती है, बताएगा। तो यहां पर की जाती है बांसवाड़ा जिले में की जाती है, या क्षेत्र में की जाती है, जो दक्षिण का जो क्षेत्र है दोस्तों यहां पर राजस्थान का, यहां पर की जाती है। अगला देखिएगा, यहां पर इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान का वह जिला जिसमें जबाई बांध स्थित है, बताएगा कौन से जिले में है। तो पाली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माही सागर बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा या फिर उदयपुर। तो यहां आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कोटा में है। अगला देखिएगा, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। अब आपसे बांध और झीलें आ चुकी है दोस्तों यहां पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, गांधी सागर जो बांध है वो कहां पर है, माही नदी पर, सॉरी माही नदी, चंबल या फिर लूनी या फिर बनास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी में चंबल नदी पर स्थित है। अगला देखिएगा, पांचना बांध कहाँ स्थित है, बताएगा। तो ये मेन जो बांध है यहाँ पर आपके बताए जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली जिले में है। अगला देखिएगा, मेजा बांध किस जिले में स्थित है। तो मेजा बांध की बात करें तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिले में है। अगला देखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है किससे है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचाई कुएं निर्माण करने से है। अगला देखिएगा, यहां पर राजस्थान का कौन सा जिला कुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित है, बताएगा अलवर, झुंझुनू, करौली या फिर भरतपुर। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर जिला है। अगला देखिए, यहां पर ओराई परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई का लाभ मिलता है, बताएगा। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी फिटर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में या फिर राजस्थान में। तो देखिएगा यहां पर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये पंजाब में है। अब देखिएगा फिटर का मतलब है जो मेन हरि के बैराज, देखिएगा जो हरि का बैराज बांध है यहां पर है। अब यहां से जो मेन जो नहर निकाली गई है, चौड़ी नहर निकाली गई है दोस्तों यहां पर, इसकी लंबाई आपसे पूछा है। अब देखिएगा इससे यहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, यानी कि छोटी नहर निकाली गई है जिसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहां पर, इसको फिटर के नाम से जाना जाता है, यह ध्यान रख लेना। तो इसकी जो लंबाई है वो पंजाब में
में सबसे अधिक है, फिर हरियाणा में है और राजस्थान में बिल्कुल फिटर की लंबाई बिल्कुल नहीं है। अगला देखिएगा यहाँ पर, अब आ चुके हैं राजस्थान के प्रमुख झीले एवं बांध है, यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी देखिएगा एक कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका है, अभी यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए, नदी, झील और बांध, ये सभी प्रवाह तंत्र प्रणाली के अंक है दोस्तों। यहाँ पर ये आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इनका, देखिएगा मानसागर झील कहाँ स्थित है बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसागर झील जयपुर में स्थित है। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है बताएगा, झीलें पूछी है दोस्तों यहाँ पर, तो बताएगा इसका सही आंसर जयपुर, जैसलमेर, नागौर या फिर बाड़मेर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर जिले में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें हैं। कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है, चित्तौड़, जयपुर, अजमेर या फिर भीलवाड़ा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भीलवाड़ा में बनाया हुआ है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है बताएगा, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, सोडियम सल्फेट का कारखाना राजस्थान के किस झील पर स्थित है, सावर, फुलेरा, डिडवाना, नागौर, लूणकरणसन, बीकानेर या फिर पंचभद्रा, बाड़मेर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डिडवाना नागौर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको यहां पर पहचान करनी है, तो बताएगा राजस्थान कर्मचारी, प्रत्येक क्वेश्चन आपके राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का जो सिलेबस है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो क्या पूछा है यहां पर, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, तो जो गलत जोड़ा है यहां पर हो जाएगा मोरेल बांध जयपुर में, अलवर में नहीं है दोस्तों यहां पर, ये मोरेल बांध मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना और इनको याद कर लेना। देखिएगा राम सागर बांध, आपको पता है जो राम सागर अभ्यारण्य, केसर बाग, राम सागर वन विहार जो अभ्यारण्य, ये धौलपुर में है दोस्तों यहां पर, राम सागर बांध वहां पर बना हुआ है। सेवर बांध भरतपुर में है देखिएगा, और रामगढ़ बांध जयपुर में है, और मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है, ना कि अलवर में है। अगला देखिएगा पर, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सभी जानते हैं दोस्तों यहां पर, आंख मीच कर इसका आंसर दे दीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर, सांबर हो जाएगा। देखिएगा आपने कभी देखा होगा एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन आप क्या करते हो जल्दबाजी के चक्कर में उस नॉर्मल क्वेश्चन को आप गलत करके आते हो दोस्तों यहां पर, काफी स्टूडेंट गलत करके आते हो, तो ध्यान रखना एग्जाम यहां पर ओएमआरसी भर्ते समय सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है, सबसे ज्यादा धैर्य बनाना है दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको पता है कितने अभ्यर्थी आपसे आगे जा सकते हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्न में ऐसे कौन सी झील बाड़मेर में है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचभद्रा बाड़मेर में है। अगला देखिएगा, निम्न में निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है बताएगा, फलौदी, बालसमंद, गढ़सीसर या फिर नक्की झील, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलौदी हो जाएगी, और फलौदी कहां पर है, फलौदी हो जाएगी जोधपुर में हो जाएगी दोस्तों यहां पर, फलौदी तहसील में। बालसमंद आपको पता है जोधपुर में है, गढ़सीसर आपको पता है जैसलमेर में है, नक्की आपको पता है माउंट आबू में है। अगला देखिए यहां पर, ताल छापर झील किस जिले में है बताएगा, झुंझुनू, सीकर या फिर चूरू, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूरू जिला, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर ताल छापर अभ्यारण अगर आपसे पूछे तो चूरू जिले में हो जाएगा, ताल छापर झील अगर आपसे पूछे चूरू जिले में हो जाएगी। ताल छापर अभ्यारण किसके लिए फेमस है, काले हिरणों के लिए फेमस है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ताल छापर के बारे में बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला देखिएगा, बामन घाट के झील पर बने हुए है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर झील पर बना हुआ है बामन घाट, ध्यान रख लेना पुष्कर। देखिएगा अभी कार्तिक महीना चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, कार्तिक महीना स्टार्ट हो चुका है, कार्तिक महीना, अब कार्तिक में पुष्कर मेला आता है, तो ध्यान रखना पुष्कर मेला से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और एक जो दीपावली का त्यौहार है, ये त्यौहार आपसे पूछे जा सकते हैं, कार्तिक माह में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, इनको आपको कल्चर में मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो में कवर करवा दूंगा 200 से 300 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सिलीसेड झील का निर्माण किस राज्य द्वारा करवाया गया था, किस राजा के द्वारा करवाया गया था, विनय सिंह, जयसिंह, मानसिंह या फिर पृथ्वीराज, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय सिंह ने करवाया था। अगला देखिए यहां पर, पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट किस झील पर स्थित है,
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सामर झील पर स्थित है। अगला देखिएगा यहां पर सामर झील का निर्माता किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है वासुदेव चौहान को माना जाता है। सामर झील में मुख्य रूप से कौन कौन सी नदी आकर अपना जल डालती है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ या फिर उपयुक्त सभी, तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी नदी। देखिएगा आपसे पूछा सकता है खारी नदी अजमेर से निकलती है और ये अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है और ये जयपुर के जो फुलेरा है यहां पर अपना जल ले जाती है दोस्तों। यहां पर खंडेला सीकर से निकलती है और अपना जल सामर झील में डालती है दोस्तों। यहां पर रूपनगढ़ भी निकलती है दोस्तों, यहां पर ये भी अपना जल यहां पर सामर झील में ले जाती है। ये खारे पानी की नदियां हैं दोस्तों यहां पर। अगला देखिए यहाँ पर पंचभद्रा झील किस जिले में स्थित है, तो देखिएगा ये थोड़ा रिपीट हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिला, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अगला देखिएगा राजस्थान की कौन सी झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है, बताइएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचभद्रा झील में। मोडली की झाड़ियों से नमक तैयार किया जाता है किस झील पर, बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचभद्रा झील पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारवाल की जाति किस झील पर नमक तैयार करती है, तो ये करती है पंचभद्रा झील पर नमक तैयार करती है। निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में स्थित है, पंचभद्रा, लून कंसन, रेवासर या फिर डिडवाना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिडवाना झील, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान का स्टेट केमिकल्स वर्क्स किस झील पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डिडवाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा खारे पानी की झील कामोद झील किस जिले में स्थित है, बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो खारे पानी की है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर पाली, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामोद झील, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा राजस्थान में खारे पानी की झील किसका अवशेष है, बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टैथिस सागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डेगाना झील राजस्थान के किस जिले में है, तो दीजिएगा सभी आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नागौर जिले में हो जाएगी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर निम्न में से किस जिले में खारे पानी की झील स्थित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में नहीं है। निम्न में से कौन सी झील बीकानेर में स्थित है, कौलायत, बालसमंद, नक्की झील, पुष्कर झील, बताएगा, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बीकानेर में है कौलायत झील, ध्यान रख लेना ए ऑप्शन सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, सही जोड़े की आपको पहचान करनी है, तो देखिएगा डिडवाना, नागौर, सांभर, बाड़मेर, पंचभद्रा, जोधपुर और राजसमंद उदयपुर, तो बताएगा इनमें से आपको गलत जोड़े की पहचान करनी है दोस्तों। यहां पर गलत जोड़ा आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सॉरी ये पूछा है आपसे निम्न में से सही जोड़े की पहचान करना है, तो ये हो जाएगा सही जोड़ा आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अगला है देखिएगा निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताएगा, सही जोड़ा नहीं है करेक्ट आंसर बताएगा इसका। देखिएगा कोलायत बीकानेर में, बालसमंद जोधपुर में, गढ़सीसर जयपुर में, सांभर जयपुर में, तो बताना होगा इसमें से सही नहीं है, तो देखिएगा जो गढ़सीसर है वो यहां पर जैसलमेर में है, जयपुर में नहीं है। अगला देखिए यहां पर राजसमंद झील का निर्माता किसे कहते हैं, तो इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था 1662 में राजसमंद जिले में। अगला देखिए यहां पर राजसमंद झील किस जिले में स्थित है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर जयपुर में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद हो जाएगी, राजसमंद जिले में हो जाएगी। सौर वैधशाला राजस्थान की किस झील पर स्थित है, पिछोला, फतेह सागर, राजसमंद या फिर जयसमंद, यहां पर आप कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। यहां पर देखिएगा सभी झीलें आपको पता है उदयपुर में स्थित है, तो देखिएगा यहां पर जो राजसमंद झील है इसको छोड़कर सभी झील उदयपुर में है। अब ये जो सौर वैधशाला है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फतेह सागर झील के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा विश्व का राजप्रसूति शिलालेख किस झील पर स्थित है, बताएगा राजसमंद पर,
पिछोला या फिर डिड़बाना या फिर जो है संबंध पर, तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राज संबंध पर 25 शिलाओं पर बना हुआ है दोस्तों, जिसमें मेवाड़ के इतिहास में पूरा डिटेल मिलता है। अगला देखिएगा, राजसमंद झील पर उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो नटनी का चबूतरा, नौ चौकी या फिर बाबा का भाकड़ा या फिर प्यारी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौ चौकी के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बताएगा इसका सही आंसर, देखिएगा राजसमंद झील में निम्न में से कौन सी नदी आकर गिरती है, माही, बनास, गोमती या फिर पश्चिम बनास, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गोमती नदी। अगला देखिए यहां पर, नैन रॉक टर्ड रॉक किस झील के किनारे स्थित है, इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ये नक्की झील है, माउंट आबू में है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बाबा का भाकड़ा वे प्यारी किस झील पर बने टापुओं के नाम है, बताएगा जय समंद, राजसमंद, पिछोला या फिर बाल समंद, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जय समंद हो जाएगा, ए ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, जग मंदिर में जग निवास महल किस झील के किनारे बने हुए हैं, बताएगा ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिछोला झील पर बने हुए हैं, ए ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्की झील, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस झील पर मीणा बे भील जनजाति के सात टापुओं पर अपना बसेरा बनाकर रहती है, बताएगा करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय संबंध हो जाएगा, ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में है, अलवर, करौली, भरतपुर या फिर सवाई माधोपुर, तो यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलवर में हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है, बताइएगा इसका सही आंसर करेक्ट आंसर बता दो आप, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जवाई बांध को कहा जाता है। अगला देखिएगा, अजमेर का समुद्र किस बांध को कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारायण सागर बांध को कहा जाता है, माधो सागर बांध स्थित है, कहां पर है माधो सागर बांध, तो सभी दीजिएगा इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर दौसा जिले में है दोस्तों यहां पर। अगर देखिएगा करौली जिले की बात करें तो पांचना बांध, माधो सागर बांध की बात करें तो दौसा, नारायण सागर बांध की बात करें तो अजमेर, टोंक जिले में हो जाएगा बीसलपुर बांध, जवाई बांध पाली में हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये जो मेन मेन बांध है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बताएगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भराव क्षमता की दृष्टि से हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने अजमेर में करवाया गया था, बताएगा तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आना जी चौहान ने इसका निर्माण करवाया था 1137 में। अगला देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बताएगा ऑप्शन आपके सामने है, राणा प्रताप बांध, जसवंत सागर बांध, जवाई बांध या फिर पिशलपुर बांध, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो यहां पर बना हुआ है चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। निम्न में से कौन सा बांध टोंक जिले में स्थित है, बताएगा तो टोंक जिले की बात करें तो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टोरडी सागर बांध हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर निम्न में से असंगत को पहचानिए, देखिएगा असंगत की पहचान कीजिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा जो अजान बांध है ये भरतपुर में है, ध्यान रख लेना जयपुर में नहीं है, तो यही यहां पर गलत है, जो जोड़ा है असंगत है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, यहां पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबा पूछा है आपसे तो बांध के बारे में, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध हो जाएगा राजस्थान का। अगला देखिए यहां पर, जय समंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, जय सिंह ने, राज सिंह ने, महाराणा लाखा ने या फिर भोपाल सिंह ने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय सिंह हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो पुष्कर हो जाएगी अजमेर में हो जाएगी। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा, तो ये हो जाएगा देखिएगा अब गलत जोड़ा आपको पहचाना है, उम्मेद सागर बांध बारा में, तो उम्मेद सागर बांध तो आपको पता है बारा में नहीं है,
ओहो सॉरी, यहाँ पर हरसो बांध हो जाएगा, गंगानगर में नहीं है दोस्तों, यहाँ पर उमेश सागर। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है, इस क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना होगा सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों। यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन है वो यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो इसको छोड़ देना है आपको। अगला देखिए, यहाँ पर निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है, किस झील में, पंचभद्रा, सांवर, लूणकंसर या फिर डिडवाना। तो यहाँ पर सांवर झील से सबसे अधिक नमक तैयार किया जाता है। दुगारी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले में स्थित हो जाएगी दुगारी झील। भारत में कितना प्रतिशत नमक सांवर झील से उत्पादन होता है बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8.7% नमक। अगले देखिएगा, फलोदी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर जिले में स्थित हो जाएगी। कपिल मुनि का प्रसिद्ध आश्रम किस झील के किनारे स्थित है, तो कपिल मुनि का जो आश्रम है वो यहाँ पर कोलायत झील के किनारे पर स्थित है। अगला देखिए, यहाँ पर डेवर झील किसे कहा जाता है बताएगा, तो यहाँ पर जो डेवर झील है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जय समंद झील को कहा जाता है, ये उदयपुर में है और उदयपुर की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, यहाँ पर मीठे पानी की हो जाएगी, वैसे राजस्थान की भी सबसे बड़ी यानी कि जय समंद झील है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा, कोलायत झील बीकानेर, गजनेर बीकानेर, फलौदी झील नागौर या फिर दुगारी झील बूंदी। तो गलत पहचान, ये गलत कौन सा जोड़ा है, तो देखिएगा जो फलौदी है वो नागौर में नहीं है, ये जोधपुर में है। अगला देखिए, यहाँ पर छत्र विलास तालाब कहाँ स्थित है बताएगा, बूंदी में, कोटा में, अजमेर में या फिर राजसमंद में। तो छत्र प्लास जो बांध है दोस्तों यहाँ पर, ये कोटा में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका है, यानी कि बांध और यहाँ पर झीलें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, नदी घाटी सिंचाई परियोजना आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो केवल नदियों का कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर इसी में, तो 70 क्वेश्चन है जो कि नदियों से संबंधित है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं, सभी अभ्यर्थी एक बार और लाइक कर दो दोस्तों यहां पर, जिन्होंने लाइक नहीं किया पिछली बार। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अगला है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर यह प्रवाह क्रम का अंग है बताइएगा, जो अरब सागर में बहती है अपना जल अरब सागर में ले जाती है, कौन सी नदी है इसका करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है बताएगा, तो यहाँ पर बांटा गया है तीन भागों में, राजस्थान की नदियों को बांटा गया है, आंतर प्रवाह की नदी, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली और अरब सागर की ओर बहने वाली नदी दोस्तों। यहाँ पर आंतरिक प्रवाह की नदी वो होती है केवल और केवल राजस्थान में प्रवाहित होती है और अपना जल अंत रूप से अंतिम जमीन के अंदर ले जाती है दोस्तों, यहाँ पर उसको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताएगा, इनमें से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बनास, बाणगंगा, माही या फिर चंबल। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबल हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कांकणी, खारी, घग्गर या फिर रूपनगढ़। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी हो जाएगी दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेड़च, बनास, मेनाल का त्रिवेणी संगम कहां स्थित है, रामेश्वर, बिगोद, भीलवाड़ा या फिर डूंगरपुर या फिर कहीं नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिगोद भीलवाड़ा में, जो देखिएगा बेड़च और बनास और मेनाल त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों यहां पर, तीनों नदी आकर यहां पर मिलती है। अगला देखिए, यहाँ पर लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा है, भीनमाल, सांचौर, मंडोर या फिर जोधपुर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीनमाल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद जो लूनी नदी है वो गुजरात की तरफ चली जाती है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर भीनमाल बसा हुआ है। अगला देखिएगा, गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, कोठारी, चंबल, बनास या फिर गंभीरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास नदी निकलती है गोगुंदा के पठारों से। नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है, हरसो, जाखम, बनास या फिर सोम। तो यहां पर हरसो नदी हो जाएगी। अगला देखिएगा, बांकली बांध किस जिले, सॉरी किस नदी पर निर्मित है बांकली बांध बताइएगा,
तो बांकली बांध की अगर बात करें तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुकड़ी नदी पर बनाया हुआ है। सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन आपके सामने है बनास, मुरे, लूनी या फिर माही। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही हो जाएगी दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जाखम, सोम और माही ये तीनों नदियां हैं दोस्तों यहां पर, जो कि त्रिवेणी संगम बेणेश्वर में बनाती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? बनास, चंबल, माही या फिर साबरमती। तो बताइएगा इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला देखिएगा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सामर झील में गिरती है? कांतली, बाड़ी, मेदा या फिर मानसी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैदा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? माही, लूनी, चंबल या फिर सोम। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबल पर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। अगला देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है? तो इसका आंसर तो सभी जानते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर और यहाँ पर चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। अगला देखिएगा, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माही नदी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्तों यहां पर, एक बार तो फिर वापस उत्तर की तरफ बहती है माही नदी, फिर वापस उत्तर से दक्षिण की तरफ बह जाती है दोस्तों यहां पर, तो ये कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी हो जाएगी। अगला देखिएगा, राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पूर्णतः बहाव की दृष्टि से पूछा है दोस्तों यहां पर, केवल राजस्थान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनास नदी हो जाएगी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर पूर्णतः राजस्थान में बहती है, फिर बाद में चंबल में मिल जाती है, चंबल यमुना में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिल जाती है, गंगा यहां पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र आपको पता है समुद्र में चली जाती है। अगला देखिए, यहां पर लूनी नदी का उद्गम स्थान कहां से है? बताएगा जो लूनी नदी जो निकलती है वो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंबल नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? बूंदी, कोटा, झालावाड़ या फिर करौली। तो आपका बिल्कुल सही आंसर बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है? बताएगा तो यहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ लूनी नहीं बहती, माही नहीं बहती, साबरमती नहीं बहती, तो बनास बहती है दोस्तों यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। तो यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो घग्गर नदी निकलती है कहां पर प्रवेश करती है? तो यहां पर करती है हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, अगर आपसे संभाग पूछे तो कोटा संभाग में सबसे अधिक नदियां हैं, अगर आपसे सबसे कम नदी पूछता है तो ध्यान रखना बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? बताएगा जो माही नदी में आकर मिलती है, करेक्ट आंसर बताएगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर जाखम नदी हो जाएगी, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घग्गर नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 465। राजस्थान की मरुगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी को कहा जाता है। आदि खाड़ी, आदि मीठी मीठड़ी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? करेक्ट आंसर बताएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी को कहा जाता है। राजस्थान में लूनी नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? राजस्थान में पूछा है लूनी नदी की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 330 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? बताएगा तो माही नदी की राजस्थान में पूछता है तो ध्यान रख लेना 171 राजस्थान में बहती है और 576 टोटल इसकी लंबाई है माही नदी की। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर साबरमती नदी किस जिले से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, उदयपुर से निकलती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बारहमासी नदी कौन कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल और माही।
आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है बनास नदी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से जाकर गिरती है बताना होगा, कौन सी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बाण गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 135 किलोमीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहां पर इनको भी अच्छे तरीके से कर लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूलिया जलप्रपात राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है बताएगा? तो इसका सही आंसर माही, बनास, चंबल या फिर कालीसिंध? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में। जसवंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी पर बना हुआ है जसवंत सागर बांध। दोस्तों यहां पर ध्यान रख लेना लूनी नदी इसका सही है। अगला देखिएगा, बेराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाण गंगा नदी। सर्वाधिक मिट्टियों का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, चंबल, माही, जोजड़ी या फिर रूपारेल? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का सबसे अधिक जो कटाव करने वाली नदी है वो चंबल नदी है। दोस्तों यहां पर ये गहरे सकड़े गार्ज में बहती है दोस्तों यहां पर राजस्थान में। अगला देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है बताइएगा? अब देखिएगा जो अरावली है ये आपकी अरावली है और यहां पर ये जो एरिया है जो पश्चिम का क्षेत्र है इसमें कौन सी नदी बहती है बताइएगा? तो यहां से निकलती है लूनी नदी दोस्तों यहां पर, ये लूनी नदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है करेक्ट आंसर बताइएगा? जबाई, जोजरी, लूनी या फिर गोमती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर जो पर सुमेरपुर है वो जबाई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कामधेनु नदी किसे कहा जाता है? तो कामधेनु नदी कहा जाता है चंबल नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोठारी नदी राजस्थान के किस जिले में से निकलती है? तो कोठारी की बात होती है तो कोठारी निकलती है राजसमंद जिला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, काली सिंध नदी निम्न में से किस जिले में बहती है, टोंक में, भीलवाड़ा या फिर झालावाड़ या फिर यहां पर जयपुर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झालावाड़, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो बन की आशा कहा जाता है बनास नदी को कहा जाता है। जोजड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी की ये सहायक नदी है जो बिंगड़ेल नाम है लीली जोजड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, खारी, मीठड़ी, सुगड़ी, ये सभी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपको पता है ये बनास नदी पर टोंक जिले में बना हुआ है। त्रिवेणी संगम राजस्थान में किस नदी पर बना हुआ है, माही, घग्गर, बाण गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माही नदी पर बना हुआ है त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला परबन नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर परबन नदी पर के किनारे बसा हुआ है झालावाड़ जिला। अगला देख, सॉरी बारह जिला, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बारह जिला, यानी कि यो कहां पर बसा हुआ है परबन नदी के किनारे पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, बनास नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है बताएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 480, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, चंबल नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो चंबल नदी के अगर आपसे पूछता है कुल लंबाई तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा 966। प्रतापगढ़ की छोटी सातड़ी से कौन सी नदी का उद्गम स्थान है बताइएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाखम नदी का। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है बताइएगा करेक्ट आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि काली सिंध भी ले जाती है, मोरेल भी ले जाती है, बनास भी ले जाती है, तो यहां पर उपयोग सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी उल्टे यू आकार की तरह बहती है, इस तरह से बहती है बताइएगा, उल्टे यू आकार की तरह बहती है बताइएगा, कौन सी नदी है वो? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माही नदी हो जाएगी। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल गुजरात में ले जाती है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बनास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोजड़ी नदी किस जिले से निकलती है बताइएगा?
जोधपुर, नागौर, राजसमंद या फिर पाली, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जोजड़ी नदी निकलती है वो यहां पर निकलती है, नागौर से निकलती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस नदी के किनारे लगता है या फिर किस नदी पर लगता है, बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर माही नदी, आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताएगा, सभी आंसर दीजिएगा, तो माही बजाज सागर बंद बना हुआ है, माही नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताएगा, तो सभी दीजिएगा इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी। अगला देखिएगा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, चंबल, मुरैल, काली सिंध या फिर परबन, तो जो जवाहर सागर जो बांध बना हुआ है वो कोटा में बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है, ए ऑप्शन सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर 8 क्वेश्चन और बचे हुए, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बांध बना हुआ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवा बांध, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूपनगढ़ नदी किस जिले से निकलती है, बताइएगा, अजमेर से, भीलवाड़ा से, राजसमंद से या फिर जयपुर से, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो रूपनगढ़ नदी है वो अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है और ये अपना जल सांभर झील में डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अजमेर जिले की है, बताइएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांसवाड़ा जिले के खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है, सोम, माही, चंबल या फिर साबरमती, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया था, बताएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करवाया गया था। पहले चरण में तो आपको पता है गांधी सागर बांध का निर्माण करवाया गया था एमपी में, दूसरा चरण जब प्रारंभ हुआ था वो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करवाया गया था और इसमें इकाई जो विद्युत इकाई है उसका भी निर्माण किया गया था। तीसरे चरण में जवाहर सागर और कोटा बैराज का बांध का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है कौन सी नदी है, बताएगा, अब देखिएगा दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, बाणगंगा, साबरमती, लूनी या फिर चंबल, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर चंबल नदी निकलती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बेड़च नदी का उद्गम कहां से है, बताएगा, तो यह हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ियों से हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अंतिम क्वेश्चन है, लीलड़ी, मीठड़ी, बाड़ी, सुकड़ी किसकी सहायक नदी है, बताएगा, बेड़च, बनास, लूनी या फिर गग्गर, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये यहां पर लूनी नदी की सहायक नदियां हैं सारी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखिएगा 202 क्वेश्चन क्रैक किए हैं दोस्तों यहां पर। अब प्लीज मेरे को कमेंट में बता दो कि आपने तीन कॉन्सेप्ट कवर किए हैं और तीनों कॉन्सेप्ट में से आपने यानी कि 202 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं दोस्तों यहां पर। अगर आपने बताएगा देखिएगा आपका ये कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं तीनों, तो आपको यहां से कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए दोस्तों यहां पर आप गलत करके नहीं आओगे दोस्तों यहां पर। अगली जो मैराथन क्लास होने वाली है वो देखिएगा कृषि से संबंधित होगी, कृषि से संबंधित, जिसमें पशुपालन, कृषि और वन से संबंधित दोस्तों यहां पर तीनों कॉन्सेप्ट आपके कवर करवाए जाएंगे, जिसमें 200 से 250 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए दिए जाएंगे दोस्तों यहां पर। मात्र दो वीडियो में आपके 6 कॉन्सेप्ट कवर करवाए जा रहे हैं राजस्थान पटवार के लिए दोस्तों यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा सभी अभ्यर्थी बताइएगा, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जवाब लाइक कर दीजिएगा।